वी वर्सेस आई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वी वर्सेस आई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, और कई पॉसिबिलिटीज होंगी वी वर्सेस आई ग्राफ। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होंगे जहां वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, उन्हें हम नॉन ओमिक मटेरियल कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, डायोड इज नॉन ओमिक, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, डायोड, सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ये कुछ नॉन ओमिक मटेरियल्स हैं जो आप पढ़ोगे बिल्कुल लास्ट चैप्टर में। सेमीकंडक्टर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये कुछ वो मटेरियल्स हैं जहां वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसे आप नॉन ओमिक कहो, ये नॉन ओमिक। इतना लिखिए फिर आगे बढ़े। डायनमो कोई डिवाइस नहीं है, डायनमो तो वोल्टेज जनरेट करेगा दीप्यांशी, सर्किट एलिमेंट नहीं है डायनमो। मैं इतना लिख लीजिए, बताइए मुझे, रब करते हैं। अच्छा देखो, सुनो रेशम, फिर रेशम का क्वेश्चन है, V इज इक्वल टू आई आर नॉन ओमिक में अप्लाई नहीं कर सकते, V इज इक्वल टू आई आर नॉन ओमिक में भी वैलिड होगा, लेकिन नॉन ओमिक में R कांस्टेंट नहीं है, R इज वेरिएबल। नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस विल vary with voltage and current, voltage और current के साथ साथ resistance vary करेगा in non. V equal to IR valid होगा, like अगर मैं आपको resistance दे दूं और मैं आपको current दे दूं तो voltage आ जाएगा, अब भी IR करें। Semiconductor diode, सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर, दे आर नॉन। फायर का रीजन ये है कि लिखा है ना मैंने रीजन, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट के साथ वेरी करेगा। रेजिस्टेंस आपको स्लोप से मिलता है, इसके वेरी करने का मतलब है स्लोप वेरी करेगा, और जब ग्राफ में स्लोप वेरी करता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। ये फायका के क्वेश्चन का आंसर है। डायोड पढ़ेंगे, हर नो डायोड पढ़ेंगे। डायोड का एग्जांपल है ये जो तुम होता है इंडिकेटर लाइट्स, मीटर के ऊपर एक रेड कलर ग्रीन कलर की लाइट होती है, ब्लिंक कर रही होती है, दैट इज अ डायोड, दैट्स नॉन ओमिक। अभी तो ये ओम्स लॉ नहीं हुआ, बिकॉज़ ओम्स लॉ में आर कौन, हाँ अभी भी ओम्स लॉ नहीं है, लेकिन वोल्टेज अब भी वी इज इक्वल टू आई आर से आएगा, वोल्टेज अब भी आएगा करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये ओम्स लॉ नहीं है। ओम्स लॉ तब होता है जब आर कॉन्स्टेंट होता है। तो हरनूर का क्वेश्चन था व्हाट इज डायोड, डायोड का एग्जाम्पल हरनूर ये जो इंडिकेटर लाइट्स होती है, दे आर डायोड्स। डायोड्स और कई तरह के डायोड्स होते हैं, टीवी का जो रिमोट होता है उस रिमोट के आगे भी एक बल्ब सा लगा होता है, दैट इज अगेन अ डायोड। नासिर क्या कह रहा है, म्यूट, अच्छा नासिर को अनम्यूट कर दो। चलो भाई नासिर अनम्यूट कर दिया तुमने। So ये नॉन ओमिक सबसे हो गया, किसी को कोई परेशानी नहीं है, इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रिपीट कर सर, रिपीट करो सर।
नेक्स्ट देखिए, ना से अब तो छूट गया, वक्त पे आना चाहिए अब तो गया। ओमिक और नॉन ओमिक के बाद नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस। इतना लेट थोड़ी ना आया जाता है क्लास में, दो चार पांच मिनट समझ में आता है, मुझे काम था ना, बीस बीस मिनट लेट थोड़ी ना। हाँ, जेड वी इक्वल टू आई आर नॉन ओमिक के लिए वैलिड है। वोल्टेज हमेशा करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर कर आएगा, लेकिन नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। लेकिन ओमिक में आर कांस्टेंट होता है, इसीलिए वी वर्सेस आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन। ये एक्सप्रेशन वी इक्वल टू आई आर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ओमिक के लिए भी नॉन ओमिक के लिए, बट ओमिक में आर कॉन्स्टेंट आएगा। देखो जरा रेजिस्टेंस थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए रेजिस्टेंस क्यों आता है, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन offered by material in flow of current. जब भी किसी material से current flow करता है तो वो material जो भी obstruction offer करेगा, that obstruction is known as resistance. अब resistance calculate करने के लिए आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर था, सो रेजिस्टेंस विल बी वी। रेजिस्टेंस स्केलर V वोल्टेज है, I करंट। रेजिस्टेंस की SI यूनिट इज ओम, SI यूनिट ओम। अब देखो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जरा कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ढंग से समझना। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, अगर एक कंडक्टर ले लूं मैं, कंडक्टर में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, ये मैंने एक कंडक्टर का पीस ले लिया, जिस कंडक्टर के पीस को मैंने सेल से कनेक्ट कर दिया, यहां करंट फ्लो कर रहा। सो कंडक्टर में क्या क्या चीजें होती हैं, अंदर आयंस होंगे, मान लो कॉपर का कंडक्टर है तो कॉपर आयंस होंगे, ये आयंस इमोबाइल होते हैं, ये आयंस मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह रेस्ट में। और इन आयंस के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली। सेल की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ कोलाइड करेंगे, सेल पुल करेगा इन्हें टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, तो इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ बार बार कोलाइड करेंगे। इलेक्ट्रॉन और आयन का जो कोलिजन होगा, दैट कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस। सो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस। इलेक्ट्रॉन्स और आयंस का जो कोलिजन होगा वो कोलिजन रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। इलेक्ट्रॉन और आयंस कोलाइड कर रहे हैं, ये कोलिजन रिस्पॉन्सिबल है रेजिस्टेंस के लिए, कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस।
जितना ज्यादा कोलिजन होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में देखें एक एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर कि रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या आता है, तो देखो इतना लिख लीजिए, फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखते हैं रेजिस्टेंस। भाई इतना लिखिए, फिर रेजिस्टेंस के लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। इतना लिख लो तो बताना मुझे। हाँ, हमने हीट जनरेट होगी, बिल्कुल हीट जनरेट होगी इस कोलिजन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, हीट भी होगी। इतना लिखिए सबने आप। अब देखो, आपको रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, मींस नंबर डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, करंट के एक्सप्रेशन से स्टार्ट करो, करंट इन कंडक्टर। देखो इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करेगा, दैट करंट इज एन ई ए वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप लिख सकते हो, दिस इज ई टाउ बाय इलेक्ट्रॉन। ये सब हम डिराइव कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं करी थी ये क्लास, यहाँ टर्म्स का मतलब देख लो बस। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, अगर सिस्टम इमोबाइल होगा, नहीं होगा तो रेजिस्टेंस नहीं आ पाएगा। हाँ निदा, अगर आप आयंस निकाल दें किसी तरह से तो रेजिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, आयंस तो एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप आयंस हटा दें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रह जाए तो प्लाज्मा हो जाएगा। अगर आयंस नहीं है तो यस रेजिस्टेंस नहीं। लेकिन मेटल में ऐसा हो नहीं सकता ना कि सारे आयंस कुछ ना कुछ आयन जरूर होंगे, रेजिस्टेंस जरूर होगा। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी कहते हैं। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एंड्स का एरिया ए है। VD is drift velocity, वो velocity जिससे electrons move करेंगे, that velocity is drift velocity, और ये जो capital E है, that's electric field, जो cell की वजह से आएगी। सेल एक एंड को पॉजिटिव कर देगा, एक को नेगेटिव, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी। यहां जो टाउ आ रहा है, दैट टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन, ओके, जो रिलैक्सेशन टाइम होगा, वो रिलैक्सेशन टाइम, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब मूव करेगा, आयंस के साथ कोलाइड करेगा, आयंस के साथ कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। आयंस के साथ कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम। दोबारा देख लो, करंट का एक्सप्रेशन इज आई इज एन ई ए वी डी,
इस वायर से जो करंट फ्लो करेगा वो एन ई ए वी डी होगा. करंट एन पर डिपेंड करेगा, एन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. करंट ए पर डिपेंड करेगा, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. वी डी पर डिपेंड करेगा विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कैपिटल ई पर डिपेंड करेगा विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और टाउ पर डिपेंड करेगा विच इज रिलैक्सेशन. वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है वो वेलोसिटी जिससे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में मूव करते हैं, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम मींस ये जो दो आयंस हैं इन आयंस से कोलाइड करने में, इससे कोलाइड किया फिर इससे कोलाइड किया, दो कोलिजन के बीच में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज रिलैक्सेशन. VD की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो करंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा एन ई ए वी डी विच इज ई टाउ बाय. सो करंट का एक्सप्रेशन होगा एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय, इसे कह देते हैं इलेक्ट्रिक. दिस इज वन, इसे टू कह देते हैं. मैंने जस्ट वन को टू में रख दिया. मैं यहां से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं. रेजिस्टेंस क्या हो, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर थ्री. अब देखो ये कुछ लोगों ने सेकंड चैप्टर नहीं करा है, एक छोटा सा टॉपिक में सेकंड चैप्टर का यूज करूंगा कि अगर दो पॉइंट्स दिए, इन पॉइंट्स के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है वी, जैसे सेल का वोल्टेज वी है. So, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन एल. सो इफ वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, सो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, अगर ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी. हायर से लोअर तक एक फील्ड एग्जिस्ट कर जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वोल्टेज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्टेज एक ही चीज, वोल्टेज बाय लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ. फोर को थ्री में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वोल्टेज बाय लेंथ कर दिया. लोगों ने सेकेंड चैप्टर नहीं करा है, इसे हम सेकेंड में डिराइव करेंगे. सिंपल सा एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज बाय लेंथ होता है. 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे देन दिस इज एन ई स्क्वायर ए टाउ बाय एम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हैं वी बाय एम. इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आप ऐसे लिख सकते हो इट्स एम ई एल, इट्स एन ई स्क्वायर ए टाउ. करंट यहाँ डिनोमिनेटर में लिया, सो दैट्स वी बाय आई. तो वी बाय आई हो गया एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, और वी बाय आई को आप क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज बाय करंट इज रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस इज इट्स एम ई एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ. तो ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन है विच इज एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए. ME means mass of electron, electronic mass. Subscript में जो E है ये mass of electron. जो मैं ME लिख रहा हूं that ME is mass of electron. तो microscopic variables की form में resistance का expression ये आ गया. यहां तक अगर कोई doubt है तो मुझे बताओ. मैं लोग जो नहीं भी थे ना लास्ट क्लासेस में, बस ये दो एक्सप्रेशंस आपको याद रखने होंगे. करंट किस पर डिपेंड करता है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या रिलेशन। जो डाउट से बताइए, जो लोग नहीं भी थे वो भी, अगर नहीं समझ में आया बताओ, इसको तो मैं समझा सकता हूँ। सलील, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। जैसे कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जैसे ही आपने वोल्टेज कनेक्ट किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी तरफ, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो सिंपल वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिससे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, इस वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहो। हाँ आमना, अभी आते हैं, है ना, बस इस एक्सप्रेशन तक देख लो, इसके आगे के क्वेश्चंस का भी देता हूं मैं आंसर। यहां तक बताइए, कोई प्रॉब्लम? सलील बतूल और शमीम रेगुलर आना इस बैच में भी, आप कल दोनों गायब। भैया सबका क्लियर है? शाहीन, जेबा, जिशान, पुरम, जितिन, लास्ट लाइन देखो जीशान, ये था ना एन ई स्क्वायर ए टाउ एम ई बाई वी एल, यहां मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैं एम ई एल को मल्टीप्लाई कर इधर ले आया और करंट को मैं नीचे ले गया, तो ये हो गया एम ई एल ऊपर चला गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ नीचे आ गया, विच इज वी बाय आर। वी बाय आई को हम आर लिख सकते हैं, तो आर हो गया एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाउ, तो यहां से आपको रेजिस्टेंस मिल गया। V by I को आप R कह सकते हैं, so R is ML by M E square A tau। तो ये resistance का expression आ गया ML by A N E square। चलो अब देखते हैं resistance किन किन factor पे depend करता है। तो resistance का expression आया ML, बस मैं E इसलिए लिखता हूँ नीचे क्योंकि ये electronic mass है, mass electron by A N स्क्वायर। तो देखो मास तो कांस्टेंट होता है, यहां से तो कोई डिपेंडेंसी आएगी। पहली डिपेंडेंसी है रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड कर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा आप कंडक्टर की लेंथ लोगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो ए है दैट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आप जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लोगे रेजिस्टेंस उतना ही कम होता चला जाएगा। सो एक थिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस थिन से कम होगा, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा आप कंडक्टर को थिक करते चले जाओगे, एरिया बढ़ाते चले जाओगे, रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। एल हो गया, ए हो गया, और देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर। एन था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये बहुत नेचुरल है। देखो जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा करंट होगा, इसे कहते हैं नेचर ऑफ मटेरियल।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पर. लाइक नंबर डेंसिटी कॉपर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आयरन. अगर आप गोल्ड ले लोगे, मुझे गोल्ड का सिंबल नहीं पता, गोल्ड अगर ले लोगे तो गोल्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कॉपर और आयरन. तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है. अच्छा, Au है गोल्ड का, ठीक है. सो यहां जो नंबर डेंसिटी होगी नंबर डेंसिटी डिपेंड करेगी मटेरियल के ऊपर. अलग अलग मटेरियल के लिए नंबर डेंसिटी अलग अलग है. और देखो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ. टाउ रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम मींस दो आयन के साथ कोलाइड करने में जो टाइम लगे. और ये सिंपल डिपेंड कर जाता है टेम्परेचर पर. रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड कर जाता है टेम्परेचर पर. जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. इतना लिख लीजिए फिर देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या. एन कौन सा वाला है, एन जेड कौन सा. देखो एम तो मास हो गया, एल लेंथ है, ए एरिया, एन नंबर डेंसिटी, ई चार्ज और टाउ रिलैक्सेशन टाइम. अच्छा आयरन, आयरन एफ आयरन. तो जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस रिलैक्सेशन टाइम पर भी डिपेंड करे. रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है शगुन कि अगर एक कंडक्टर इसे कॉपर ले लिया, कॉपर के कॉपर आयन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जब स्टार्ट करेंगे ना तो ये आयन्स के साथ बार बार कोलाइड करेंगे. दो आयन्स से कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज रिलैक्सेशन टाइम. बस ये रिलैक्सेशन टाइम. और रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता. अब इस रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट, इसमें कोई डाउट किसी को, जिशान, फुरम, जितिन, दमन, जुहा, किसी को कोई डाउट नहीं. देखो ये सब इजी पोर्शंस हैं. अब जो शुरू हुआ है ना मैग्नेटिक्स जब तक नहीं आएगा ये सब इजी है. आपने जो कुछ भी करा है उसके कंपेरेबल तो बहुत इजी है सर. लास्ट लाइन इसकी बात कर रहे हो जीशान, रिलैक्सेशन टाइम वाला. अच्छा रिलैक्सेशन टाइम वाला एक बार देखो. ये जो रेजिस्टेंस है ना ये टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है कि मान लीजिए आपने एक कंडक्टर ले लिया
कॉपर का ही कंडक्टर ले लिया, उस कॉपर के कंडक्टर में कॉपर के आयंस होंगे Cu2+ आयन, एक और ले लिया Cu2+ आयन। जब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो पहले इस आयन के साथ कोलाइड करेगा, फिर मूव करेगा ये इलेक्ट्रॉन, फिर इस आयन के साथ कोलाइड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूअसली आयन्स के साथ कोलाइड करेंगे। यहां से यहां तक कोलिजन में जो टाइम लगा, दैट टाइम इज टाउ, रिलैक्सेशन टाइम। और ये रिलैक्सेशन टाइम सिंपली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। जितना हाई टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये टाइम कम होता चला जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप किसी चीज को हीटअप करते हैं तो वो तेजी से मूव करती है, इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन के तेजी से मूव करने का मतलब है इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा, टाइम कम होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टाइम कम होगा। ओके, तो जो एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे कि आपको जो मटेरियल दिया है वो मटेरियल कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। जैसे कॉपर है तो कॉपर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कॉपर इन दो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से डोनेट कर देगा। आप कोई और मटेरियल लोगे गोल्ड, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे, तो ये अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। इस तरह से मटेरियल पर डिपेंड है कि वो मटेरियल कितने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकता है, दैट इज एन। हर मटेरियल में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग होगा, एलिमेंट टू एलिमेंट वेरी कर जाएगा। और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये मटेरियल के, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड है, वो सब डिपेंड करेगा एलिमेंट के। लाइक अगर मैं आपको कॉपर दूं, मैं आपको गोल्ड दूं और मैं आपको आयरन दूं, इन तीनों के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अलग अलग एनर्जी से न्यूक्लियस से बाउंडेड होंगे, बिल्कुल अलग अलग एनर्जी से न्यूक्लियस से बाउंडेड है। सब अलग अलग एनर्जी से बाउंडेड है न्यूक्लियस। जितनी ज्यादा एनर्जी से बाउंडेड है निकालने में उतनी परेशानी होगी, और ये एनर्जी डिपेंड करती है मटेरियल पे, अलग अलग मटेरियल्स के लिए एनर्जी अलग अलग। तो किसी भी मेटल में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। और बताइए, और कोई डाउट इसमें? डाउट्स और कुछ? सलील, शमीम, शगुन, रबकर न्यूज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी क्या चीज है। अगर आप रेजिस्टेंस से लेंथ और एरिया की डिपेंडेंसी हटा दो तो जो बचेगा वो रेजिस्टिविटी। देखो, हमने अभी पढ़ा था रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा रो। ये तो क्लास टेंथ वाली डेफिनेशन है। This rho is known as resistivity. तो यहां से आप rho लिख सकते हैं, rho is R A by L. अब यहां से आप resistivity को define कर सकते हो, definition. अगर मैं area of cross section ले लू 1 meter square, लेंथ ले लू कंडक्टर की 1 meter, तो यहां जो रेजिस्टिविटी होगी दैट्स आर इंटू 1/1, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी
is resistance of conductor of unit length and unit area of cross section. अगर आप R, L और A को 1 ले लो तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए। इसकी जो SI यूनिट है, देखो रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, ओम एरिया है मीटर स्क्वायर, लेंथ है मीटर, कैंसिल हो गया, SI यूनिट इज ओम मीटर। एक चीज और देखिए, देखो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन है R A बाय L। लास्ट सेक्शन में हमने रेजिस्टेंस लिखा था एम ई एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। इस रेजिस्टेंस को यहां सब्स्टिट्यूट कर, देखो रेजिस्टिविटी हो गई एम ई एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ मल्टीप्लाइड बाय ए बाय एल। एल से एल कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा, सिर्फ इस आर की जगह ये सब्स्टिट्यूट, ये एक्सप्रेशन रखा है। So, ये रेजिस्टिविटी हो गई, इट्स एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। रेजिस्टिविटी इज एम बाय एन ई स्क्वायर टाउ। कहीं लेंथ नहीं आ रही, कहीं एरिया नहीं आ रहा, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। So, resistivity ना तो length पर depend कर रही है, ना cross sectional area पर depend कर रही है। ये किस पर depend कर रहा है? N और tau पर। N क्या था? Nature of material, और tau क्या था? Temperature। It depends on nature of material, it depends on nature of material which is N and temperature. Temperature की dependency आती है relaxation times. So that's resistivity. ये सिर्फ nature of material पर depend करेगा और relaxation time पर depend. देखिए ना, इतना लिखिए और बताइए मुझे अगर कोई डाउट है। न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इतना हो जाए बताइए, सर रख करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। में कोई डाउट नहीं, बस इसको हमेशा याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करेगी ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन होता है आपको ऐसे करके कंडक्टर बना दिया उसने,
अभी बेसिक डिफरेंस यही है कि रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट। अभी यही बेसिक डिफरेंस है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये आपको एक कंडक्टर गिवन है, इसकी अलग अलग साइड्स हैं। इस साइड को आप एल ले लो, इसको बी कह देते हैं, ये साइड सी है और इस हाइट को एच कह देते हैं। ये आपको कंडक्टर गिवन है, इसकी अलग अलग साइड्स हैं और इसकी रेजिस्टिविटीज हो। कई एंड्स दिए हुए हैं आपको, ये पॉइंट वन दिया है, ये पॉइंट टू दिया है, लेफ्ट और राइट, थ्री दिया है ऊपर, फोर दिया है नीचे, फाइव दिया है फ्रंट पर और सिक्स दिया है बैक पर। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज रो, इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बिटवीन पॉइंट्स, फर्स्ट दिया है वन और टू पॉइंट के बीच में, सेकेंड दिया है थ्री और फोर पॉइंट के बीच में, थर्ड दिया है फाइव और सिक्स पॉइंट के बीच में। सो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेजिस्टेंस, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन और टू के बीच में चाहिए, थ्री और फोर के बीच में चाहिए, फाइव और सिक्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होता है रो एल बाय ए, बट इसे यूज करने से पहले आप ढूंढा करो किन दो पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए। रेजिस्टेंस किसके बीच का चाहिए, वन और टू के बीच का। तो जो लेंथ होगी वो वन और टू के बीच का सेपरेशन है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं तो जो एल है, जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, एल उन दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन, एल इज सेपरेशन बिटवीन पॉइंट वन एंड टू। पॉइंट वन और पॉइंट टू के बीच का सेपरेशन इज एल। जो ए होगा वो जिन एंड्स के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, लाइक यहाँ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो वन और टू के बीच में, इन एंड्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंड वन और टू, दोनों का सेम होता है। So, देखिए लेंथ कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे यहाँ वन और टू के बीच में लेंथ कौन सी डायमेंशन है, बी होगा, सी होगा, एच होगा, किसे एल कहेंगे। सो यहाँ एल बी के इक्वल है। एरिया बताओगे, एरिया क्या होगा, देखो एरिया क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये है ना रेक्टेंगल, एक साइड सी है, हाँ शाइन का सही आ रहा है, एक साइड एच है, सो एरिया आ जाएगा एच सी। रख दो यहाँ वैल्यूज, तो रेजिस्टेंस आ गया रो एल विच इज बी डिवाइडेड बाय ए विच इज इट्स रो बी बाय इट्स, ये रेजिस्टेंस है रो बी बाय इट्स। उसके बाद आपको चाहिए थ्री और फोर के बीच में रेजिस्टेंस, आपको थ्री और फोर के बीच में, ये थ्री और ये फोर। अब मुझे जीशान बताएगा, जीशान जरा बताओ थ्री और फोर के बीच में जब लेना है तो एल कितना है? जीशान थ्री और फोर के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, यहां एल कितना होगा? हाँ जिससे मैं पूछता हूँ ना उसके अलावा सबके आंसर सही आते हैं। जीशान थ्री और फोर सेपरेशन देख लो, बस थ्री और फोर के बीच में सबका सही आ रहा है। थ्री और फोर के बीच में सेपरेशन कितना है? एच।
ये जो सेपरेशन है ये एच दिया हुआ है, सो एल इज एच। एरिया क्या हो जाएगा? एंड्स का एरिया, ये वाले जो एंड्स हैं इन एंड्स का एरिया। हाँ जितिन सही यार, इस एंड्स का एरिया क्या होगा? एक डायमेंशन बी है, दूसरी डायमेंशन सी है, तो यहां जो एरिया होगा दैट एरिया इज बी सी। एक डायमेंशन बी, दूसरी डायमेंशन सी, तो एरिया होगा बी सी। तो रेजिस्टेंस ये 1-2 के बीच में था, ये 3-4 के बीच में होगा, रो एच बाय बी सी। तीसरा देखो, 5 और 6 के बीच का रेजिस्टेंस आपको चाहिए, 5 और 6 के बीच में आपको कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब आप 5 और 6 लोगे ना, 5 फ्रंट पर है 6 बैक में, 5 फ्रंट फेस है 6 बैक फेस है, तो इनके बीच का सेपरेशन सी हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। और जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये जो फ्रंट वाला फेस है ना, ये वाला, इसी का तो एरिया लोगे। एक डायमेंशन बी है, दूसरी डायमेंशन एच है, एरिया हो जाएगा एच बी, एरिया होगा एच बी। तो 5 और 6 के बीच में रेजिस्टेंस हो गया रो सी बाय एच बी। एक तो रेजिस्टिविटी पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको अलग अलग शेप्स दे देगा और आपसे कहेगा रेजिस्टिविटी दिखा। चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़े। यहां तक डाउट बताइए मुझे, थर्ड वाला। ओके देखो जैद, थर्ड में ना 5 और 6 फेस है, अगर ये रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड है, एक बॉक्स मान लो, एक फेस सामने आ रहा है फ्रंट वाला और एक फेस बैक वाला है, फ्रंट और बैक वाले फेस के बीच में सेपरेशन यही तो होगा, एक ये वाला फेस है फ्रंट और एक ये है बैक वाला फेस, इनके बीच का सेपरेशन यही होगा ना, ये सेपरेशन कितना है सी। तो आप लिख सकते हैं एल सी है। एरिया जो होगा, एरिया इस फेस का एरिया आएगा। एरिया कैसे आएगा? देखो ये एक डायमेंशन बी है, दूसरी डायमेंशन एच है, तो ए आ जाएगा एच बी। जैद आया अभी नहीं? चलो इसको रफ करते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन कभी ऐसे दे देता है, सिलेंडर बना के दे देता है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, सिलेंडर बनाकर दे देता है। लेंथ दे दी सिलेंडर की एल, रेडियस दे दी आर, और ये सॉलिड है, सब डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर। कहता है रेजिस्टेंस बताओ, रो एल, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर,
सिलेंडर के एंड्स का एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो रो एल बाय पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही इसमें हॉलो सिलेंडर दे देता है, कभी कभी ऐसे भी करेगा, कहेगा हॉलो सिलेंडर है, ऐसे हॉलो सिलेंडर दे दिया। ना आपको ऐसे कर कर एक हॉलो सिलेंडर दिया। लेंथ इज एल, आउटर जो रेडियस है दैट आउटर रेडियस इज ए, जो इनर रेडियस है ये वाला दैट इनर रेडियस इज हॉलो है, मतलब यहां कुछ नहीं है, सिर्फ जिसको मैं येलो से दिखा रहा हूं ना, ये मटेरियल है, यहां मटेरियल भरा हुआ है, बीच में कुछ नहीं, मीन्स ये सब हॉलो है, इतना मटेरियल भरा हुआ है जो मैं येलो से शो कर रहा हूँ, यहाँ मटेरियल है, लाइक अगर ये कॉपर का इतने में कॉपर है, यहाँ कुछ नहीं, ये हॉलो, ये सेक्शन हॉलो है। तो आपसे कहता है इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो रेजिस्टेंस इज, हाँ जैद का सही आ रहा है, रो एल बाय ए होता है, सो रेजिस्टेंस इज रो एल बाय पाई d स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए था, ए होगा आउटर एरियस का, अगर एरिया निकालोगे ना ये आएगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, बाहर वाले में से अंदर वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिए क्योंकि ये तो हॉलो है, तो ये रेजिस्टेंस आ गया रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इतना लिखिए, हॉलो हॉलो फाइव का हॉलो है। ये हॉलो पोर्शन, हाँ ए बाहर वाले का रेडियस है ए, अच्छा सॉरी 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 उल्टा हो जाए, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर वाले में से अंदर वाला सबका पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर। इतना लिखिए, फिर एक और टाइप के क्वेश्चन है रेजिस्टिविटी पर, उसे भी वाइंड करते हैं। इसे रब करते हैं फिर, नेक्स्ट कहते हैं लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज बाय 2%। कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। कंडक्टर की लेंथ को 2% से चेंज कर दिया, आपको देखना है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में परसेंटेज चेंज कितना। तो देखो आपको एक कंडक्टर दिया,
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ए लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ए रेजिस्टिविटी रो है. अच्छा एक बात बताओ क्या रेजिस्टिविटी में कोई चेंज आएगा अगर यहां मैं लेंथ और एरिया चेंज कर रहा हूं तो क्या रेजिस्टिविटी में चेंज आएगा. नो रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट है सो नो चेंज इन रेजिस्टिविटी. रेजिस्टेंस में चेंज देखना है पहले लेंथ एल थी एरिया ए था तो पहले रेजिस्टेंस था रो एल बाय दैट्स फर्स्ट इक्वेशन. अब वो कह रहा है लेंथ इंक्रीज इंक्रीज कर दिया थोड़ा एक्सपेंड कर दिया. मैं देखो वॉल्यूम तो नहीं चेंज कर रहे हैं ना मटेरियल थोड़ी ना काट कर अलग कर रहे हैं वॉल्यूम सेम रहेगा लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया कम हो जाएगा. मान लो एरिया अब ए प्राइम हो गया लेंथ कुछ एल प्राइम हो गई और आपको पता है एल प्राइम कितना इंक्रीमेंट किया है 2% तो एल प्राइम इज एल प्लस 2% ऑफ एल तो एल प्राइम इज एल प्लस 2% ऑफ एल इज 2/100L. So L prime is 102 L/100. So L prime is 1.02. ये L prime आ गया. तो L prime को आप इसको 1 कहा इसे 2 कह रहे L prime को L की terms में लिया है. A prime और इस A में relation चाहिए तो इसके लिए आप ये use कर सकते हैं कि volume constant है. Volume में कोई change नहीं. भाई आप इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो थिन हो जाएगा ना वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज होगा. पहले वॉल्यूम कितना था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लेंथ एल तो वॉल्यूम है ए एल. बाद में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए प्राइम लेंथ एल प्राइम तो वॉल्यूम इज ए प्राइम एल प्राइम. सो आप यहां से लिख सकते हो कि जो ए प्राइम होगा दैट ए प्राइम विल बी ए एल डिवाइडेड बाय एल. L prime substitute कर दो 2 को 3 में substitute कर दिया तो A prime आ गया it's AL divided by 1.02 ये cancel हो गया. So यहाँ A prime आ गया it's A by 1.02 और L prime कितना है 1.02L. इसे कह देते हैं equation number 4. अब आप R प्राइम निकाल सकते हो यहां से R प्राइम इज रो L प्राइम डिवाइडेड बाय A प्राइम. रो L प्राइम इज 1.02L A प्राइम इट्स A डिवाइडेड बाय 1.02 से यहां ले जाकर मल्टीप्लाई करो R prime आ गया इट्स रो एल बाय ए 1.02 का स्क्वायर और ये R था. तो देखो यहां जो रो एल बाय ए आ रहा है उसकी जगह R रख दो. इसको अगर मैं 5 कह दूं 5 में 1 को 5 में रख दूं तो ये जो है ना रो एल बाय ए इसकी जगह R रख दूं R प्राइम आ गया R इंटू 1.02 का स्क्वायर. परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर लो. परसेंटेज चेंज क्या होगा R प्राइम माइनस R बाय R मल्टीप्लाइड बाय. चलिए इतना करिए ये आप कैलकुलेट करके रखोगे. मैं आज यही छोड़ूंगा मेरी नेक्स्ट क्लास होगी. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉपी करते रहिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. मुझे क्लास छोड़नी होगी अभी. इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर. हाँ नासिर कल क्लास होगा सेम टाइम पर होगा.
भाई कल भी क्लास है सेम टाइम मॉर्निंग 9 AM, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, कल मॉर्निंग 9 AM इसी को कंटिन्यू करेंगे। सलील और शमीम अब आप लोगों की छुट्टी ना हो जाए। सलील बतूल एंड शमीम कल मॉर्निंग 9 बजे। चलो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको ये खत्म करते हैं। ओके अल्लाह। जी जी नासिर।